अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुनव्वर सुल्ताना किचन। आज मैं बहुत न्यू और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, और जो है बैंगन का दही का सालन। ठीक है, इसमें मैं जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, सबसे पहले जो मैं इसमें जो मैं डालूँगी तो वो ये है मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, इसके अलावा जो है ये मैं डालती हूँ इसमें ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा जो डालूँगी तो थोड़ा सा इसमें मैं वो डालूँगी ज़ीरा, बिल्कुल ज़रा सा 1/3 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है जो नमक जो है वो मैं डालूँगी 1/2 से थोड़ा ज़्यादा है, ये नमक 1/2 से थोड़ा ज़्यादा है, ये मैं डाल रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये मैं डालूँगी ये ज़ीरा और धनिया मैंने क्रश करके रख देती हूँ भून के, और ये इसमें से डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। ये तमाम जो चीज़ें हैं, और इसको बैंगन को जो है मैंने ऐसे ऐसे काट के रख लिया है, फौरन करना होता है, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। मैं फौरन कर रही हूँ। और इसके अलावा ये पेस्ट बनाया है मैंने सालन के लिए, जो ये पेस्ट है तो इसके अंदर 4 हरी मिर्चें डाली हैं, 1 टमाटर डाला है मैंने, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है इसके अंदर, और प्याज 1 प्याज पूरी बड़ी प्याज डाली है, ये इसका सालन बनेगा। ठीक है। और इसके अलावा इस ये जो चीज़ है ये बैंगन में लगा के और इसको ये तली जाएंगी, और थोड़ी सा चिली फ्लेक्स भी डालती हूँ आपको ये आइडिया। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने मिक्स कर दिया। बहुत टेस्टी रेसिपी है वही, मैं मुनव्वर सुल्ताना के किचन से बात कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, और मैं दुआ में याद रखेंगे, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ, और नई नई रेसिपी सोचती हूँ लाने की। ये मेरी अपनी खुद की बनाई हुई रेसिपी है जो मैं बनाती हूँ, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब ट्राई करेंगे जब ही आपको अंदाज़ा होगा कि कैसी रेसिपी किस तरह की है। ठीक है। तो अब इसको क्या करूँगी, एक एक बैंगन लेके इसको डिप करती जाऊँगी और इसको रखती जाऊँगी एक एक अलग अलग। ये देखिए, ये एक एक करती जाऊंगी इसको, ये क्या एक एक तमाम बैंगन को मैं डिप करके रख दूंगी इसको। ये सारे डिप हो गए, ये देखिए थोड़े से रह गए, ये डिप कर रही हूँ मैं। एक दो रह गए, इसको भी कर दूँ और बाकी इसके ऊपर पेस्ट डाल दूँगी। ठीक है, ये सारे डिप करती है। ये सब डिप हो गए, ये देखिए। अब उसके बाद मैं बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। वेलकम टू मुनव्वर सुल्ताना किचन। अब आप ये देखिए, मैंने ये मसाला ये भून गया है तकरीबन, ये देखिए बहुत अच्छा इसकी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो दही डालूंगी। ये तकरीबन मैंने इसमें 1/2 कप दही डाल दिया है। ये 1/2 कप डाल दिया। ठीक है। अब ये इसके अलावा अब जो मैं इसमें डालूंगी वो
बैंगन डालूंगी। आप देखिए ये बैंगन जो है ये क्योंकि ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़े बैंगन डालूंगी, इसमें थोड़े रख दूंगी, बाद में कब यूज़ कर लेंगे। बस इतने डाले मैंने, ठीक है, आधे बैंगन डाल दिए मैंने। इसकी हल्की आंच कर दी है मैंने ताकि ये अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। ऑलरेडी पहले से तो गल चुके थे, उसके बावजूद भी मैंने इसको गलाने के लिए रखा। ये देखिए आधे मैंने उठा लिए, आधे से थोड़े कम उठाएं और बाकी ये डाल दिए, ज़्यादा नहीं डाले मैंने। ये देखिए थोड़ी तेज़ आंच कर दी है मैंने, तकरीबन ये गल चुके हैं, बल्कि पूरे भी डाल सकती हूँ मैं, मसाला तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद मैंने थोड़े डाले हैं। और मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको मैं डिश आउट करूँगी अब। ये अब डिश आउट करने वाली हूँ मैं।